अरुणाज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं चाइनीज स्टाइल मैगी, जिसे मैं बिना उबाले बिना कोई झंझट किए झटपट से बनाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप पैन में बटर डालें और उसे गर्म होने दें। बटर के गर्म हो जाने पर आप इसमें कटा लहसुन डाल दें और इसे एक मिनट के लिए पका लें, ताकि इसके कच्चेपन का जो टेस्ट है वो चला जाए। इसके बाद आप इसमें डालें कटी हुई हरी मिर्च और कटा हुआ प्याज। इसे आप एक से दो मिनट के लिए पका लें। इसे आपको बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ एक मिनट के लिए ही थोड़ा सा फ्राई करना है। अब आप इसमें डालें रेड चिली सॉस, सोया सॉस, इसे मिक्स करें। अब आप इसमें दो कप पानी डाल दें। इसे एक बार हिलाएं। अब इसमें जो मैगी मसाला का पैकेट आता है वो डाल दें। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो आप इसके साथ थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक को भी ऐड कर सकते हैं। अब आप इसे मिलाएं और इसे एक बॉयल आने दें। जब इसमें एक बॉयल आ जाए तो आप इसमें मैगी का जो पैकेट आता है वो मैगी डाल दें। इसे आपको दो मिनट पकाना है, दो मिनट में ही जो पानी है वो बिल्कुल सूख जाएगा। जब इसमें से सारा पानी सूख जाए तो आप इसे एक बार हिलाएं और गैस की फ्लेम को बंद कर दें। अब आप इसे किसी सर्विंग बोल में निकाल लें। अब ये आपकी चाइनीज मैगी है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ उन्हें लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।